हेलो एंड वेलकम बैक व्यूअर्स, आप में से कुछ लोगों का ये सवाल है, अगर कभी भी वो मेडिकल टेस्ट में जाते हैं, जो लोग भी मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर वहाँ पर आँखें चेक होती हैं और इस तरीके का वहाँ ड्रम उन्हें मिलता है, तो क्या इसी चार्ट से उनकी आँखें अगर चेक हों तो वो परफेक्ट हैं, या फिर अगर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्या यही चार्ट परफेक्ट है, या फिर कोई दूसरे चार्ट से भी उन्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे किसी एक ने मुझे ये भी लिखा है कि अगर मुझे सी वाला जो चार्ट चाहिए, जैसे सी का इसमें जो सी बनी है उसमें किधर से ये इसका मुंह खुला हुआ है कि नीचे या लेफ़्ट या राइट, ये भी इससे भी आँखें चेक की जाती हैं, तो इन दोनों में कौन सा बेटर है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपका कहीं पर भी कोई भी मेडिकल टेस्ट होता है तो उसमें चार्ट कोई सा भी हो, जैसे कि ये भी हो सकता है, कहीं कहीं पर इस चार्ट को भी इस्तेमाल किया जाता है, या फिर कहीं पर इस चार्ट से भी आंखों को टेस्ट किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि चार्ट कोई सा भी इस्तेमाल किया जाए, उद्देश्य ये है कि आप इस चार्ट में इस लास्ट लाइन को सही से देख पा रहे हैं या नहीं। मीन्स ये है कि इस लास्ट लाइन में भी ये सी जो बना है, इसमें ये कहाँ से इसका मुंह ओपन है, नीचे ऊपर सामने या फिर लेफ्ट या राइट, तो किस तरफ इसका मुंह खुला है ये आपको बताना है, यानी आंखों के विज़न की जांच। अगर आप इसे सही से बता पाते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी आंखें 6x6 हैं, आपका विज़न बिल्कुल परफेक्ट है। और उसी तरीके से अगर आपकी आंखों की जांच इससे होती है तो माइट बी पॉसिबल कि आपसे ये पढ़वाया जाएगा, और जब आप इसको क्लियरली पढ़ लेंगे तो इसका भी मतलब वही है कि आपकी आंखें बिल्कुल ठीक हैं। या फिर अगर किसी और चार्ट की हम बात करें कि अगर इससे आपकी आंखें चेक की जाती हैं, तो इसमें भी यही पूछा जाता है कि ई जो बना है वो किस साइड में है, या जो ई की जो लाइनिंग है वो नीचे है या दाएँ है बाएँ है। इन चार्ट्स को कहीं कहीं पर ऐसे लोगों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, तो उनसे भी इन सिम्बल्स के हिसाब से पूछा जाता है कि इसका जो गोला है उसका मुंह किस तरफ है। तो ये कोई सा भी चार्ट किसी की भी आंखें चेक करने के लिए मेडिकल टेस्ट में इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको इस चार्ट से प्रैक्टिस करनी चाहिए या फिर आपको इस चार्ट से प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आपकी आंखें ठीक हैं तो आप किसी भी चार्ट से अगर आपको आपका मेडिकल टेस्ट होता है तो आप उसे आसानी से नीचे तक पढ़ लेंगे, और अगर आपकी आंखों में कोई दिक्कत है, अगर आपका विज़न 6x6 नहीं है, तो आप कोई से भी चार्ट को अगर देखें या किसी से भी अगर आपके आंखों का मेडिकल टेस्ट हो तो उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये वीडियो से आई थिंक सो कि अब आपकी समझ में आ गया होगा कि चार्ट कोई सा भी हो तो सारे बराबर ही हैं। मीन्स ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा विज़न 6x6 है या नहीं। व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, तो यहाँ पर प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे मिलेगा आपको नोटिफिकेशन और आप देख पाएंगे हमारे वीडियो सबसे पहले। और मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जो विज़न को जहाँ पर भी हम विज़न चार्ट लगाएंगे उससे हमारी दूरी 20 फीट की होनी चाहिए, 20 फीट से ही हम अपनी आंखों की जांच करेंगे। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि चार्ट कोई सा भी हो, अगर हम किसी भी चार्ट को 20 फीट से पढ़ लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारी आँखें बिल्कुल ठीक है। तो आई होप सो, अगर आप लोगों का अगर इस तरीके का किसी का भी कोई क्वेश्चन है कि अगर हम कौन से चार्ट से प्रैक्टिस करें, या फिर इनमें से कौन सा चार्ट बेटर है, तो इसके बारे में आपको सोचना नहीं है, और इस वीडियो से आपको आपका जवाब भी मिल गया होगा। तो अगर आपके कोई कमेंट है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून, कीप स्माइलिंग, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।